विधानसभा बैठक पर उम्मीदवार जाहिर कराया। भाजपे घनश्याम वीराणी ने उम्मीदवार जाहिर कराया छे। तो आ पहला जयरे सेंस प्रक्रिया हाथ धरवामां आवी हती त्यारे दावेदार पण रह्या हता अने ज्या कार्यकरोए पण ए इच्छा व्यक्त करी हती के स्थानिक उम्मीदवार ने टिकीट आपवामां आवे। त्यारे जयरे आजे भाजपना विधानसभा उम्मीदवारों नाम जाहिर थया छे त्यारे घनश्याम वीराणी ने उम्मीदवार तरीके बोटाद विधानसभा बैठक पर जाहिर करवामां आव्या छे। ભાજપ દ્વારા આજે ગુજરાત વિધાનસભાની ઉમેદવારોની યાદી બહાર પાડવામાં આવી છે, ત્યારે બોટાદ 106 વિધાનસભા બેઠક ઉપર ભાજપના જે જિલ્લા પંચાયતના જે પ્રમુખ છે એવા ઘનશ્યામભાઈ વીરાણાનું નામ જાહેર કર્યું છે, ત્યારે આપણી સાથે ઘનશ્યામભાઈ છે તેઓની સાથે વાત કરી। ઘનશ્યામભાઈ, આપનું નામ વિધાનસભામાં જાહેર કર્યું છે, શું કહેશો? 107 બોટાદ વિધાનસભાના ઉમેદવાર તરીકે અમારા પ્રદેશ નેતૃત્વ અને રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વે મને उम्मीदवार तरीके जारे सर्वसम्मति आपी छे त्यारे बोटाद विधानसभा में खूब सरस रीते अमारा पार्टी ना कार्यकरो अने अमारु संगठन खूब सरस रीते काम करी अने आवनारी 2022 विधानसभा ने अमे जंगी बहुमती थी छूटवा माटेनो प्रयत्न करशुं। ઘનશ્યામભાઈ, आ बैठक पर जेना प्रतिस्पर्धी ने बहु हतुं, चालू धारासभ्य ने पण बादबाकी करवामां आवी छे, आपनी पसंदगी करी छे, त्यारे आप जीत्या पछी प्रथम प्रायोरिटीनो काम आपना केवा हशे? खास करीने भारतीय जनता पार्टी में कोई नी बादबाकी करवामां आवती नथी। खूब सरस रीते पार्टी ना समन्वय थी उम्मेदवारो नक्की करवामां आवता होय छे। त्यारे बोटाद जिल्लानी अने बोटाद शहेरनी आवनारा समयनी जे कांई मांगो हशे, विकासना कामोनी अने जिल्लाना डेवलपमेंट माटेनी जे कांई गतिविधिओ हशे, एमां खूब रसपूर्वक सौ साथे मळी अने बोटाद जिल्लाने नमूनेदार बनावा माटेना रात दिवस अमे प्रयत्न करशुं। તો આજા ઘનશ્યામભાઈ વીરાણી કે તેઓને ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી બોટાદ 107 વિધાનસભાના ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કર્યા હતા। રાજુ બારીયા, VTV ન્યૂઝ, બોટાદ।